बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के पाक कलाम से आज का लोकते शुरू। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त जो मैं मौजूद हूं अपनी छत पे, और जो है यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक कीड़ियों ने काट लिया है, आंट ने, चींटियों ने लगा लिया। ठीक है, तो मैं आपको नीचे जाकर फिर दिखाता हूँ कि उन्होंने जगह पर बाजू का क्या हाल किया। तो दोस्तों, ये देखें जो कीड़ियों ने काटा था काफ़ी ज़्यादा, ये यहाँ पर जो है वो तफ्फर ही बन गए हैं। ठीक है, ये देखें जो है वो पूरे बाजू पे। ठीक है, ये अब जब मैंने यहाँ पे फायरटीन लगाई है, ठीक है, तो फायरटीन से जो है वो थोड़े से कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए दूसरे बाजू पे भी है, दोनों बाजू पे जो उन्होंने मुझे काट लिया। ठीक है, ये देखें जो है वो जब उन्होंने काटा था तब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो फाइनली जी, अब जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं जो मुझे आपको याद होगा कि जो चींटियों ने काटा था। ठीक है, तो अब जो है वो थोड़ी सी जगह ये देखें यहाँ पे जाए तो मुकम्मल क्लीन हो गए हैं। ठीक है, 3-4 दिन के बाद एक आपको ये थोड़ा सा हल्का सा निशान नज़र आ रहा होगा, ये रेड कलर में। ठीक है, ये रह गया, बाकी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे अभी रहते थे, वो हमने यहाँ पे ट्यूब श्यूब लगा लिया। ठीक है, तो बाकी जो है वो तकरीबन हो गया सेटल सब कुछ, जितनी भी यहाँ पे लगा ले तफर इसको कहते हैं शायद, तो जितने भी बने हुए थे वो सारे भी वो सही हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मौसम है वो भी आज काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। आप जो है वो यहाँ पे जो सीन है क्लाउड्स का, बादलों का, वो आप देखें। ठीक है, कितना ज़्यादा जो वो प्यारा है। और ये देखें जो परिंदे हैं वो जा रहे हैं, जो मौसम है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्यारा है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारी जान छूट गई है, वो काफ़ी ज़्यादा जो वो उससे कह लें एलर्जी सी हो गई थी। ठीक है, जो चींटियों ने काटा था, और इस साइड पे जो है वो हमारे पौधे, तो ये जो है इनके अंदर अभी तक कोई भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। कोई एक जड़ भी नहीं आई जो हम कहेंगे एक जड़ आ गई है उसके अंदर, कोई भी नहीं आई। ठीक है, तो वाटर बॉटल जब हम ऊपर ले आए हैं, तो वाटर बॉटल से जब हम पानी डालेंगे इसके अंदर, ये तो इसके अंदर जब हम पानी थोड़ा सा डाल देते हैं, देखिए जब वो मिट्टी भी खुश्क हो गई है ना, इसलिए थोड़ा सा जब हम पानी डालेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैसे ही पानी डाला है फौरी जज्ब, कितनी ज़्यादा गर्मी है, देखिए यहाँ पे डाला है ना, फौरी जज्ब हो गया। ये देखिए मैं डालूँगा यहाँ पर 3, 2, 1, ये देखना फौरी जो है वो जज्ब होता जाता है, होता जाता है। ये देखिए ना, जैसे पानी डाला फौरी जो है वो जज्ब हो गया ये। तो अब जैसे कि हम अच्छे से जो है वो थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि यार फटाफट से जो है आपने दुआ करनी है कि फटाफट से जो है ये बन जाए अच्छे से, तो जिसके अंदर धनिया उग जाए। ठीक है, यहाँ अगर हमने कोई धनिया को काश करने में भी गलती किया तो वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी वो जाके लाजमी देखें। ठीक है, तो ठीक जो हमने पानी इसके अंदर डाल दिया पुदीने, पुदीना यार बाबा मुँह से निकल जाता धनिया वाली हमने गमले में, अब जो अब हम डालते हैं जाके लहसुन वाले गमले के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हमारा लहसुन वाला गमला है, ठीक है, जिसको हमने काश किया था, आज कल भी जब हम पानी डालते हैं भी बिल्कुल खुश्क ही हो गया। ये देखें जैसे पानी डालते हैं फौरी जो है वो जज्ब हो जाता है पानी, खुश्क मिट्टी जो है ना गर्मी की वजह से मिट्टी जो है वो फौरी पानी को जज्ब करती है। ये देखें ये बारिश हो रही है। तो हाँ जी, तो दोस्तों इसको जो है पानी पहले दे देते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वो बारिश भी है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, इसको भी हमने यहाँ पे पानी दे दिया। ठीक है, और जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप ये देखें अगर ज़मीन पे तो आपको हल्की हल्की जो है वो कन्नियाँ कह लें छोटे छोटे ड्रॉप या ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे पानी के, ये बादल यहाँ से आ रहे हैं। और जो है सबसे मज़ेदार सीन जो है वो कहाँ से है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो वहाँ से बादल आ रहे हैं, वहाँ पे जा बिल्कुल ब्लैक ही है हर जगह। ठीक है, तो वहाँ पे जो है सूरज वो साइड पे छुपा हुआ बादलों के पीछे। ठीक है, तो जो है इस साइड से जो है वो बादल आ रहे हैं हल्के हल्के, और बारिश जो है वो भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई यार जो है। तो मैंने आप लोगों से एक और भी बात करनी थी कि यार मैं आप सबसे यार काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसएग्रीमेंट हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा जो मुझे बुरा फील हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी परसों जो वीडियो अपलोड की थी उसके पर मैंने ना अयान भाई की और मेरी इस बात पे जो है वो झगड़ा हो गया था, कि अयान भाई कह रही थी कि आपके वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, तो मैंने बोला था कि नहीं भाई सारे करेंगे।
ठीक है, तो उस वीडियो पे जब किसी ने लाइक नहीं किया, ठीक है जी, भी आपको जी नज़र आ रही है इस वीडियो पे, किसी ने भी जो है वो हमारी वीडियो पे लाइक नहीं किया, ठीक है, इतनी ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं हमें आया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई है, यहाँ भी क्या तुम समझ लें, ठीक है, तो मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप हमारा जो एम है लाइफ का वो ज़रूर करेंगे मुकम्मल, लेकिन किसी के भाई ने भी है उसको सीरियस नहीं लिया, ठीक है, तो यार जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ था कि यार ये क्या हो गया। मैंने तो इतने ज़ोरों शोर से कहा था कि नहीं भाई होगा लाइक करेंगे भाई, किसी ने भी जो वो लाइक ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ अब आज का लोग करते हैं ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। और जिन जिन भाई ने अभी तक उस वीडियो को लाइक नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर उस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आम लोगों को दिखा सकूँ कि भाई देखो मेरी जो ऑडियंस ने लाइक किया मेरी वीडियो को।